मेरी माताओं, मेरी बहनों, अभी आप सब टीवी में देख रहे होंगे बजरंग बली की महिमा, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बोलो बजरंग बली भगवान की, बोलिए बागेश्वर धाम की, सब देख रहे हो महिमा? हाँ कि ना? देख रहे हो, देख रहे हो? जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो आप से पूछते नहीं है, देखते नहीं है, बिना पूछे बिना देखे ही वो सब कुछ जान जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, मेरे बड़े प्रिय हैं, क्योंकि आप उनका चेहरा देखना कितना मासूम सा दिखता है, भोले से, बड़े प्यारे से, सबने देखा है टीवी में, आमने सामने भी देखा होगा लोगों ने, देखे ना आप, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे आदरणीय भ्राता श्री, उनसे एक छोटी सी शिकायत, क्या शिकायत है बताऊं? क्या शिकायत है बताऊं? कि वो सबका हालचाल बता देते हैं बिना देखे। मेरी शिकायत यह है कि कम से कम 10 से 20 लोगों को उस सभा में वो चमत्कार कैसे करते हैं उसकी शिक्षा दीक्षा अवश्य देनी चाहिए। अगर वो 10-20 लोगों को शिक्षा दीक्षा दे देंगे तो ये परंपरा आगे बढ़ेगी। तो मेरे बहुत प्रिय, मेरे बहुत आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री भैया, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आज मैं अपनी माताओं को, बहनों को और सबको, मैं 10 लोगों को नहीं सिखाऊंगा, सबको सिखा दूंगा कि ये होता कैसे है। बिना देखे, बिना फोन किए, बिना पूछे सामने वाले का हाल जान लेना। बोलो सिखा दूं? हाथ उठाओ। देखिए हाथ उठाओ, तो अभी मैं सबको सिखा दूंगा। बोलिए सतगुरु किशननाथ भगवान की, सिखा दूं? ए मेरी मां, बोलते क्यों नहीं हो? मैं अकेले कथा नहीं करूंगा, अपना सब ओढ़ ओढ़ के बैठ गए हो, चुपचाप ठंडी लग रही है, ऐसा करके महाराज जी बोलते रहे। मैं आपका छोटा भाई हूं, बेटा हूं, आपको साथ देना होगा मेरा, ये तो व्यवस्था के तहत ऊपर बैठा हूं। वैसे मैं आपका छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, और वैसे भी जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार होता है, और जो जमीन पर बैठे वो जमींदार होता है। तो देखो गौ माता की कथा पर आकर आप जमींदार बन गए। तो मैं हनुमान जी महाराज की आज्ञा से और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सबको ये राज सिखा देता हूं, ताकि ये चमत्कार आप भी कर सको। ठीक है, मेरी प्यारी बहन जिसकी शादी हुई है अभी अभी, वो मां से बहुत प्यार करती है, शादी होकर आ गई, अब उसको चिंता होती है कि मेरी मां किस हाल में होगी, वो बहुत परेशान होती है, तो बार बार फोन करती है और बार बार मायके जाती है अपनी मां का हालचाल लेने के लिए। और उसको ये भी चिंता होती है कि भाई की शादी हो गई है, भाभी आ गई है, पता नहीं मेरी मां को कैसे रखेगी। मायके में मां का हाल बिना फोन किए जानने की तकनीक, बिना मायके जाए जानने की तकनीक, देखो मैं आपको सिखा दे रहा हूं हनुमान जी महाराज की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से। बार बार कह रहा हूं, आपको कभी अपनी मां को फोन नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी अपने मायके नहीं जाना पड़ेगा, और आपको अपनी मां की हालत पता चल जाएगी। वो ऐसे कि यदि आपकी सास को सही समय पर खाना मिल रहा है तो समझ जाओ आपकी मां को भी सही समय पर खाना मिल रहा है। यदि आपकी सास को सही समय पर धुले हुए कपड़े मिल रहे हैं तो समझ जाओ आपकी मां को भी सही समय पर धुले हुए कपड़े मिल रहे हैं। यदि आपकी सास की हाथ पैर की अच्छे से मालिश हो रही है, सेवा हो रही है, तो आपकी मां के भी हाथ पैर की मालिश हो रही है और सेवा हो रही है।
और यदि आपकी सास आपकी सेवा से प्रसन्न है तो समझ जाओ आपके घर में आपकी मां भी बहुत प्रसन्न है। वो इसके लिए फोन लगाने की जरूरत है क्या? इसके लिए मैके जाने की जरूरत है क्या? बोलो हनुमान जी महाराज, शिव भगवान की कृपा से महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको ये चमत्कार की तकनीक पता चल गई कि नहीं चल गई? बोलो बजरंग बली की। और ऐ मेरी माताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि बेटी का ब्याह हो गया है उसको जला देंगे कि मार डालेंगे कि सुखी रखेंगे। यदि तुम्हारी बहू को घर में मान सम्मान मिल रहा है तो तुम्हारी बेटी को भी वहां पर मान सम्मान मिल रहा है। यदि बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े, यदि बहू को अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो आपकी बेटी को भी वहां अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। यदि आपने तिजोरी की चाबी अपनी बहू को दे दी तो आपकी बेटी को भी वहां उस घर की तिजोरी की चाबी मिल गई। जो इज्जत बहू को मिल रही है वो इज्जत वहां बेटी को भी मिल रही है। बोलो चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ?